नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ थोड़ा दोस्त मनु मोड़। तो इस वीडियो विच पंजाब सिख गुरु हिस्ट्री रिगार्डिंग सारे ही एमसीक्यू कवर ने। दोस्तों यह वीडियो कंप्लीट देख लो, होर किते तो उन्हों कोई भी इनफॉरमेशन वीडियो या बुक विच पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जेडे भी क्वेश्चन बन सकते हैं सिख गुरु हिस्ट्री के रिगार्डिंग सारे ही इस वीडियो विच कवर किए हुए हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इस करके बोर ना हो है, तो नाल दे नाल कमेंट भी करते रहो ताकि मेरा भी मन लग्या रहे, थोड़ा भी इंटरस्ट बनया रहे। ओके, हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बिकॉज आप ऑलरेडी कर ही दिता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट है ना, तो करके क्वेश्चन नंबर एक आप गुरु नानक देव जी बारे सब तो पहले डिस्कस कर लेंगे, जो भी एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर एक की कहता है, सिख धर्म का खोजकर्ता किसी को कहा जाता है? गुरु नानक देव जी को सिख धर्म के खोजी मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो की गल करिए, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म कदों होया? 15 अप्रैल 1469 होया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीन की गल करिए, श्री गुरु नानक देव जी के जन्म कितने होया से? तो भाई रायके तलवंडी ननकाणा साहिब विच गुरु नानक देव जी का जन्म होया। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर की गल करिए, श्री गुरु नानक देव जी के पिता का नाम की से? तो मैता कल्याण दास बेदी, जिन्हों मैता कालू के नाम नाल भी जाने जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव की गल करिए, मैता कालू जी किस जात नाल संबंधित से? यह खत्री जात नाल रिलेटड सन। क्वेश्चन नंबर छे की गल करिए, मैता कालू जी की काम करते सन? यह राय बुलार विच लेखाकार से, ओके मतलब अकाउंटेंट से। तो क्वेश्चन नंबर सैवन की गल करिए, श्री गुरु नानक देव जी की पत्नी का नाम की? सुलक्षणी देवी श्री गुरु नानक देव जी की पत्नी का नाम से। क्वेश्चन नंबर अठ की गल करिए, श्री गुरु नानक देव जी के पुत्रों का नाम की? श्री चंद ते लक्ष्मी दास। क्वेश्चन नंबर नाइन की गल करिए, श्री गुरु नानक देव जी की भैन का नाम की? नानकी देवी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दस की गल करिए, करतारपुर शहर की स्थापना किस द्वारा की गई? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो करतारपुर तुसी रिलेट करके याद रख लो, गुरु नानक देव जी द्वारा वसाया गया से। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 की गल करिए, लंगर प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो गुरु नानक देव जी ने की। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किहड़े शहर में शुरुआत की लंगर प्रथा की? तो करतारपुर विखे याद रखियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की गल करिए, गुरु नानक देव जी द्वारा कितनी बाणियां रखी गई? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में यह भी रिपीट हो चुका है, तो याद रखियो 974 बाणियां गुरु नानक देव जी द्वारा रचिया गई सन। क्वेश्चन नंबर 13 की गल करिए, गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक देव जी की कितनी बाणियां शामिल ने? ठीक है, गुरु नानक देव जी की कितनी बाणी शामिल है? टोटल 4 बाणी शामिल है। कि जपजी साहिब, आसा दीवार, शिद गोस्त, ओंकार, यह 4 बाणी गुरु ग्रंथ में शामिल ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की गल करिए, गुरु नानक देव जी ने भाई लहणा का नाम बदल के की रख दिया गया? गुरु अंगद देव जी उन्होंने नाम रखा गया। क्वेश्चन नंबर 15 की गल करिए, गुरु नानक देव जी ज्योति जोत समाउण का समय की सी? याद रखियो 7 सितंबर 1539 ईस्वी में अमृत वेला। अमृत वेला मीनस सवेरे का टाइम। ओके, हुण आपां गल करनी ने गुरु अंगद देव जी बारे, सिख धर्म का दूजा गुरु कौन सी? तां गुरु अंगद देव जी सन। तो क्वेश्चन नंबर 17 की गल करिए, गुरु अंगद देव जी का पहला नाम की सी? भाई लैणा जी से, तो गुरु नानक देव जी ने चेंज करके गुरु अंगद देव जी रख दिता। क्वेश्चन नंबर 18 की गल करिए, गुरु अंगद देव जी का जन्म कदों होया? 31 मार्च 1504 मुकतसर विखे होया। याद रखियो, ये चीज़ इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 की गल करिए, गुरु अंगद देव जी के पिता का नाम की? तो भाई फेरू जी से, गुरु अंगद देव जी के पिता का नाम। क्वेश्चन नंबर 20 की गल करिए, गुरु अंगद देव जी की पत्नी का नाम की? तो बीबी खीवी से, गुरु अंगद देव जी की पत्नी का नाम। क्वेश्चन नंबर 21 की गल करिए, गुरु अंगद देव जी ने किस शहर की स्थापना की? याद रखियो, खंडूर साहिब की स्थापना गुरु अंगद देव जी ने की। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होंगे ने, तो करके जिम्मे मर्जी रिलेट करके तुम याद रख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 की गल करिए, गुरमुखी लिपि के सुधारक कौन है? तो गुरु अंगद देव जी ने ही जो टाइटल मिला है गुरु लिपि का फाउंडर, तो गुरुमुखी लिपि का फाउंडर भी मतलब कि स्टार्ट तो गुरु नानक देव जी ने की, बट इसका सुधार किसने किया? गुरु अंगद देव जी ने किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 की गल करिए, मल अखाड़ा बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी इंपोर्टेंट है, याद रखो मल अखाड़े की शुरुआत भी किसने की? गुरु अंगद देव जी ने की। क्वेश्चन नंबर 24 की गल करिए, गुरु नानक देव जी की जीवनी जन्म साखी किस द्वारा लिखी गई सी? तो गुरु अंगद देव जी द्वारा लिखी गई सी। तो किसकी मदद नाल लिखी सी? मतलब कि गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी की जिहड़ी भी जन्म विच है ना जीवन विच जो भी काम किए वह बोल रहा है, तो भाई बाला जी से जिहड़ा ये लिखता जा रहा है। ठीक है, जन्म साखी विच। क्वेश्चन नंबर 26 की गल करिए, किस ने गुरु के लंगर प्रणाली की संस्था
ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਦਾਸੂ ਅਤੇ ਦਾਤੂ, ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਅਮਰੋ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ। ਓਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 29 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ? 1539 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1552 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਨ ਸਨ? ਹਮਾਯੂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੀਵਿਤ ਸਨ। ਓਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 31 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਰਚ 1552 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 32 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਮੱਤੇ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 33 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਕਿਸ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ? ਤਾਂ ਖੱਤਰੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 34 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 35 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 36 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਭਜਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 37 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ। ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 38 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਦਾਸੀ ਮੱਤ ਕਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਦਾਸੀ ਮੱਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੌਣ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ 100 ਲਾਈਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਭੁੱਲ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 39 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਨਾਮਕ ਰਾਗੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 40 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ।